देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब मुझे बहुत ही कम बच्चों ने दिया। जिस बच्चे को आता था बट जिसने रिप्लाई नहीं करा तो वो अलग बात है, और जो बच्चे भूल गए तो शायद उनको BSES का बिजली का बिल जमा करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो शायद आपको पार्ट 55 नहीं पता होगा कि मैंने कौन से टॉपिक पर डिस्कस करा था। तो देखिए, फाइनली मैं आपको आंसर बता रहा हूँ उसके, तो आप उसको एक बार लिख लीजिएगा। चाहें तो अगर पेन थोड़ा सा खर्च कर लीजिए। देखिए, हुमायूं ने चार वॉर लड़े थे जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो 1531 दोहरिया का युद्ध, सेकंड था आपका चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555 में। और इसकी हुमायूं की एक खास बात और थी कि हुमायूं सातों दिन सातों रंग के कपड़े पहनता था, और हुमायूं की एक सौतेली बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, उसने रचना करी थी हुमायूं नामा की। एग्जाम में पूछता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने करी थी, ऑप्शंस में आपको हुमायूं भी देगा, आपको लगेगा कि हुमायूं नामा की रचना हुमायूं ने करी होगी, लेकिन नहीं, इसकी इसकी जो बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, उसने इसकी रचना करी थी, राइट। और सीढ़ियों से गिरते समय भी इसकी मृत्यु हुई थी। एग्जाम में आपसे पूछता है कि सीढ़ियों से गिरने के कारण किस शासक की मृत्यु हुई थी, तो वो था आपका हुमायूं। और दिल्ली में एक शेर मंडल नामक एक लाइब्रेरी थी, वहां से ये गिरा था, और वर्ष था आपका 1556। ठीक है, ये डिटेल है, आपको पता होनी चाहिए। टिप्स पे याद जैसे मुझको है, मैंने आपको बताया, वैसे ये चीज़ें आपको भी याद होनी चाहिए। जब ये फैक्ट आपको याद होगा ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, देख लेना। रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर रिविजन का टाइम नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। यहाँ से वहाँ बारी बारी बैग ढोते रहना, कभी इस क्लास में जाना कभी उस क्लास में जाना, रिविजन को टाइम जरूर देना बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। सेट 55 कवर करेंगे केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहला है हमारा प्रोड्यूसर गैस। ये जो गैस होती है ये दो गैसों से मिलकर बनी होती है। पहली गैस का नाम है नाइट्रोजन और सेकंड का है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए, जो ये क्षार होता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को किस में परिवर्तित कर देता है, एग्जाम में आपसे ये पूछता है, तो वो है आपका नीला रंग। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। अब देखिए, लहसुन प्याज आदि ये क्या हैं, ये हैं आपके शल्ककंद, इसको बोलते हैं बल्ब। टमाटर का जो रंग होता है पकने पर लाल हो जाता है, वो क्यों होता है, उसमें होता है आपका लाइकोपीन। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण क्या होता है, लाल हो जाता है। और अंगूर किस प्रकार की जलवायु की फसल है, तो ये आपकी उपोष्ण। सेट 56। गन्ना आलू तंबाकू सोयाबीन चाय आदि किस प्रकार की फसलें हैं, तो ये हैं आपकी नकदी फसलें। और रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई थी, और DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। भारत में सबसे पहले सेलुलर फोन सेवा 1995 में आरंभ हुई थी। और योजना आयोग एक क्या है, ये आपकी गैर संवैधानिक निकाय। योजनाओं को अंतिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। और उसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट सेट 57। राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई कारखाना द्वितीय मतलब कि सेकंड पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। और मैंने इसके बारे में भी आपको बताया है कि कौन से देश के सहयोग से ये स्थापित हुआ था, शायद आपको याद होगा। चिंता मत करिए, मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ इससे संबंधित। दुर्गापुर इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में 17 जुलाई 1975 को की गई। अनवरत योजना गुनार मेडल की देन है। IRDP, NRIP, ट्राइसेम आदि कार्यक्रम 6ठी पंचवर्षीय योजना में चलाए गए थे। औद्योगिक विकास बैंक जिसको बोलते हैं IDBI की स्थापना कब हुई थी, 1964 में। सेट 58। चार बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना
की गई। पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे अधिक है, और जो एग्जिम बैंक है, ईएक्स का मतलब एक्सपोर्ट, आईएम का मतलब इंपोर्ट, आयात निर्यात बैंक, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को। फिर हम बात करते हैं कि पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है, और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। और बस यहीं से क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर चिपकाने जा रहा हूँ, मतलब ये आपसे पूछने जा रहा हूँ कि कर्क रेखा भारत की कौन कौन सी स्टेट को टच करती हैं, क्रॉस करती हैं, गुजरती हैं, ये उन सभी स्टेट का स्टेट के नाम आप मुझे कमेंट करेंगे। देखते हैं, काफी बेसिक क्वेश्चंस है, ये एग्जाम में आने के चांस बहुत कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखते हैं क्या करते हैं आप लोग रिप्लाई। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, और ये जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है ना कर्क रेखा वाला, ये सच में बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और कहते हैं ना कि पढ़ते समय दिमाग के चारों दरवाजे ओपन रखो, अगर आपका एक दरवाजा भी ओपन है ना तो आप इसका आंसर मुझे पक्का भेजेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पक्का कई बार देखा होगा, कई बार रियल के मॉक टेस्ट में देखा होगा, जो भी आपने दिए होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी संभावना फिलहाल रेलवे में थोड़ी कम है, लेकिन आ भी सकता है, कुछ नहीं पता तो इसलिए याद करिए, सर्च करिए नेट पे, अगर आंसर नहीं पता था आपको। रेड इंडियन और निग्रो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजाति हैं, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया। सामान्य भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर होती है, और सार्वजनिक सभा की स्थापना जॉस्टिस रेनाडे ने की थी। सी यू की हेन सांग की रचना है। उसके बाद सालाबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ग्वालियर के समीप अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। द्वैध शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 में। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा था। हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ था, और फ्री जोन इस शब्द का संबंध है आपका किससे, खोखो से, ठीक है ना। खो खो आपने खेला होगा बचपन में, तो ये वही गेम है, इसमें बोलते हैं फ्री जोन। ये जो शब्द है ये संबंध रखता है आपका खोखो से। अच्छा, अगर आपने ये बचपन में खेल खेला है ना, तो आपको पता होगा खिलाड़ी कितने थे, याद करो, याद ना है तो कोई बात नहीं। इसमें खिलाड़ी थे आपके टोटल 9, और बेसबॉल में कितने होते हैं, 9, फुटबॉल में होते हैं आपके 11, क्रिकेट में भी 11 होते हैं, और एक बास्केटबॉल होता है उसमें होते हैं आपके 5, कबड्डी में कितने होते हैं, 7। तो ये प्लेयर के नाम भी कितनी संख्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, और कौन कौन से जो वर्ड हैं, शब्द कौन से खेल से संबंध रखते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि खेल एक अलग सेक्शन है, अलग चैप्टर है, तो एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और कर्क वाला आंसर आप मुझे भेजेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, बाकी फिर तो देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप लोग कोई और यूज़ करते हैं ग्रुप वाली चैट जैसे इंस्टाग्राम वगैरह होता है, वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आंसर प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा, आपकी कोई भी राय होती है मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा। और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अब तक, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब करना ही सब कुछ नहीं है, सब्सक्राइब के बाद में अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं, तो आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा डेली, जो भी आपके 3 से 4 वीडियो चैनल पे अपलोड होते हैं, तो उन सब के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे, तभी फायदा है सब्सक्राइब करने का। और बेल आइकन पे क्लिक करने में ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होता, बाजू में उसके बेल आइकन होता है उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। और उसको लाइक करिए प्लीज़, मुझे लगता है कि ये वीडियो में जितना एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट है, आप उसे नोट भी कर रहे होंगे। और ये तीनों बुक को आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से,
अगर आप केवल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पहले इस बुक को पढ़िए, उसके बाद में इस बुक को पढ़ना, उसके बाद में इस बुक को पढ़ना। इन तीनों ही बुक के वीडियो चैनल पे हैं, बुक परचेज नहीं कर सकते, तो वीडियो देखते समय अपने नोट्स तैयार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।